योगी सरकार के द्वारा पास हुए बजट को लोगों ने कल्याणकारी बताया है, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा ने बताया कि यह बजट उत्तर प्रदेश को नए विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। यह बजट उत्तर प्रदेश को बहुत आगे ले जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा, पार्षद प्रतिनिधि रामनाथ निषाद, पुनीत पांडे ने कहा, सरकार ने बजट पास किया है, कैसा बजट लगाना? शानदार और विकासोन्मुख बजट पेश करने के लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमेशा उत्तर प्रदेश के कल्याण और उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में लगातार सोचते रहते हैं। इस बजट में उनके विकास पुरुष की जो छवि पूरी तरीके से दिख रही है। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रख करके ये बजट बनाया गया है। ये बजट ही बहुत ही शानदार, बहुत ही सफल और उत्तर प्रदेश को और आगे ले जाने वाला बजट। देखिए, जो ये अभी जो बजट पेश हुआ है, वास्तव में सही बताया जाए तो ये सबको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अंत में जब देखेंगे, ये अंतिम बजट नहीं है। जब सरकार का गठन होगा 2024 और 25 में, तब जाकर के इस बजट का महत्व मालूम होगा। ये जो बजट आया है गरीबों के लिए हितैषी है, और आने वाले दिन में ही इसका बजट का महत्वपूर्ण लोगों को मालूम होगा। ये बहुत ही अच्छा बजट है, और कुछ ऐसे चीज़ हैं जो सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस सब बजट में छिपा हुआ है। आने वाले दिन में सबको मालूम हो जाएगा कि बजट कितने कारक है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये भगवान श्री राम को समर्पित बजट पास हुआ, क्या लगता है इससे कितना बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश के विकास में? नहीं, देखिए, सही बताया जाए तो जहाँ तक कि आपने श्री रामचंद्र जी का बात किया है, तो आज तो वास्तव में पूरा भारत राममय हो गया है, राममय हो गया है। बजट से उनका कोई लेन देन नहीं है। आज सब लोग उस बजट को किनारे रख करके भी राम के साथ हो गए हैं, और 2024-25 में वास्तव में सही बताएं तो ये बजट 2024-25 में ही मालूम होगा कि इसका क्या अंतिम रूप है। आज का बजट यूपी का 8वां बजट था योगी सरकार द्वारा, और जो आज बजट आया है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट था। युवाओं के दृष्टिकोण से देखें तो 117 विकास खंडों में जो 124 स्टेडियम की बात कही गई है, साथ ही जो शिक्षा के क्षेत्र में बात की गई है, पूर्वांचल के लिए अगर अपने गोरखपुर के लिए देखा जाए, गोरखपुर में जो 4 करोड़ रुपये सैनिक स्कूल को दिया गया, साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बगल में औद्योगिक विकास कॉरिडोर बनाने का जो योजना लाया गया है वो योगी सरकार द्वारा सराहनीय है। युवाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो जन कल्याणकारी योजनाएँ थीं जिसमें युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा, जैसे विश्वकर्मा योजना और भी कई योजनाएं हैं, उसमें भी काफ़ी धन सरकार द्वारा बजट में दिया गया है, ये काफ़ी लाभप्रद होगा। कुल मिला के 7,36,437 करोड़ का ये जो बजट है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा।